नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। या यूपी मांगे उत्तर लेकर हम हाजिर हो चुके हैं और आज यूपी मांगे उत्तर भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर से हम करने जा रहे हैं और बात होगी आज चुनाव के छठे चरण की। क्योंकि आपको बता दे, जो देश का चुनाव है वो छठे द्वार पर पहुंच चुका है, यानी चुनाव का जो चक्रव्यूह का द्वार है वो छठे पड़ाव पर आ चुका है, यानी कल वोटिंग होगी। लेकिन अगर हम बात करें यूपी की 14 सीटों पर जहां वोट डाले जाएंगे, अगर हम पुराने बैकग्राउंड में जाएं तो 14 सीटों में से पिछली बार 9 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव जीता था, लेकिन 5 सीटों पर सपा और बीजेपी यहां मिलकर, आपको बता दें बीएसपी मिलकर जीती थी, सपा और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े थे तो 5 सीटों पर उनका कब्जा हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि अब चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ चुका है। पूर्वांचल की बात कहे जाए तो बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है। धनंजय सिंह, या धनंजय सिंह की बात करें जिनका ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटरों पर काफी प्रभाव माना जाता है और वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो वही आपको बता दें, हम बात करते हैं जिस तरह धनंजय सिंह का मैं जिक्र कर रहा था, जिस तरह आप बात कर रहे थे, हम बात करते हैं दूसरे जो बाहुबली हैं जिनको माना जाता है, राजा भैया। राजा भैया की बात करें तो राजा भैया सपा के साथ खड़े हैं, धनंजय बीजेपी के साथ खड़े हो गए। ऐसे में क्या सियासी समीकरण बनेंगे, यही हम आज बात करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें कुर्मी, निषाद और उसके अलावा बहुत सारे जो वोटर हैं वो भी इस फेस में हैं, और जहां समाजवादी पार्टी ने एक रणनीति बनाई है, कुर्मी और निषाद उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि यहां राजभरों का भी काफी दबदबा है, तो क्या सियासी समीकरण बनेंगे इस बार, इस बार कैसे यहां बीजेपी का बेड़ा पार होगा, क्योंकि इस बार सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं लेकिन बीएसपी अलग लड़ रही है। 9 सीटों पर राजभर की बात करें तो राजभर और बीजेपी मिलकर लड़ रहे हैं। बीजेपी के आपको बता दें कि यहां ताकत लगाना बहुत जरूरी है। तो अब बात करेंगे छठे द्वार की, इन्हीं सीटों के समीकरण पर हमारा आज विश्लेषण होने जा रहा है। 14 सीटों पर क्या होगा, किसकी लड़ाई दिख रही है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। पिछली बार जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 14 में से 9 सीट बीजेपी के खाते में गई, 5 सीट सपा और बीएसपी के खाते में गई। तो चलिए करते हैं यूपी मांगे उत्तर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। इस फेस में उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर मतदान होगा वहां मुकाबला बहुत कंफ्यूजिंग है। इनमें आधी सीटें ऐसी हैं जहां राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस जाति का वोट किसको जाएगा। इस चरण में राजा भैया और धनंजय सिंह के हनक और रुतबे की तो परीक्षा होगी ही, बीजेपी और सपा की रणनीति की अग्नि परीक्षा भी होगी। साथ ही अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला और बीजेपी की जातिगत आधार पर बनी पार्टियों का सहयोग कितना काम करता है ये भी पता चलेगा। जौनपुर और मछली शहर का चुनाव बीजेपी के लिए फंसा हुआ है। बाहुबली धनंजय सिंह का इलाके में बहुत दबदबा है। केवल राजपूत ही नहीं, दूसरी जातियों के वोट भी उन्हें मिलते हैं। हालांकि पिछले कई चुनाव वो हार चुके हैं, पर अपने सर्किल के वोट उन्हें हर हाल में मिलते ही हैं। इसीलिए जौनपुर और मछली शहर में अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर हारती है तो यही कहा जाएगा कि उनका जादू नहीं चला। जौनपुर लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। छठे चरण के चुनाव आने तक बीजेपी के लिए एक बुरी खबर ये भी हो गई है कि कुंडा विधायक राजा भैया बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो किसी भी दल के साथ नहीं रहेंगे, पर जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात की और जिस तरह केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बयानबाजी की है, उससे तो यही लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ बैटिंग कर रही है। फिलहाल इस चरण की कम से कम 4 सीटों पर प्रतापगढ़, श्रावस्ती, भदोही और इलाहाबाद में उनका प्रभाव है। इन सीटों पर उनके एक इशारे पर कई हजार वोट प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव परिणाम बताएंगे इन चुनाव में उनका कितना जादू चला है। छठे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उन पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की प्रतिष्ठा और भविष्य दोनों दांव पर है। सुभा सपा, निषाद पार्टी और अपना दल के मुखिया अपनी जाति के वोटों को दिलाने के नाम पर ही सत्ता सुख भोग रहे हैं। सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इसी तरह अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं और उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। गोरखपुर से इलाहाबाद तक राजभर, निषाद और पटेल जातियों की उपस्थिति इन सभी सीटों पर निर्णायक है। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देख ली कि क्या माहौल और क्या समीकरण बन रहे हैं जिन 14 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे।
लेकिन पहले दर्शकों को हम राजा भैया का प्रभाव दिखाते हैं। राजा भैया का किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव है आपको बता दें। पूर्वांचल की 6 सीट पर राजा भैया का प्रभाव माना जाता है। 6 सीट जो 6 लोकसभा सीट है उस पर माना जाता है कि उनका असर है, जिसमें प्रतापगढ़, इसके अलावा मछली शहर, इसके अलावा जौनपुर और घोसी में मजबूत पकड़ मानी जाती है। ये राजा भैया के प्रभाव वाले क्षेत्र हम आपको बता रहे हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी वोटर्स पर भी उनका असर है। माना जाता है कि उनके इशारे पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी वोट डालता है, लेकिन क्या असर करेगा या नहीं ये तो बात करेंगे। कौशाम्बी सीट पर भी सबसे ज्यादा प्रभाव बताया जाता है राजा भैया का। इसके अलावा 22 सीटों पर करीब 30 लाख से ज्यादा क्षत्रिय वोटर हैं। तो 22 सीटों की बात करें, विधानसभा सीटों पर करीब 30 लाख से भी ज्यादा क्षत्रिय वोटर्स हैं। क्षत्रिय वोटर्स में राजा भैया की मजबूत पकड़ मानी जाती है। माना जाता है कि राजा भैया के इशारे पर क्षत्रिय वोटर्स जिसके साथ वो खड़े हो जाते उसके पास चला जाता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, जल्दी से अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय चौधरी जी रहेंगे। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक रंजन समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रहेंगे नवलकांत सिन्हा जी। नवलकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजनीतिक विश्लेषकों से एक टिप्पणी लूंगा कि कल जो 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उस पर क्या समीकरण पड़ रहा, राजा भैया का कितना असर पड़ेगा, इसके अलावा हम धनंजय पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नवलकांत सिन्हा जी, कल 14 सीट्स बहुत महत्वपूर्ण, पूर्वांचल की तरफ अब ये चुनाव पहुंच गया है, छठा चुनाव है ये, छठे चरण का ये चुनाव है, और खासकर यहाँ कास्ट फैक्टर में भी जगह जगह इन सीटों पर घूमकर आया तो कास्ट फैक्टर बहुत मायने है। सिन्हा साहब कैसे देखते हैं सीटों को आप? देखिए, कई मानों में ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। एक तरह से देखिए कि जो 14 सीटें हैं उसमें बीजेपी के पास 9 सीटें थी, यानी कि अगर वो 400 पार की बात कर रही है तो बाकी 5 सीटों पे भी उसको खुद को आजमाना होगा। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसके सामने ये चुनौती है कि जो 5 सीटें हैं उसको और बढ़ा के आगे कैसे ले जाया जाए। आपने सवाल किया प्रताप राजा भैया को, सिन्हा साहब, सिन्हा साहब राजा भैया का कितना असर? हाँ, राजा भैया के असर की मैं चर्चा कर रहा था कि देखिए राजा भैया प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद इन जगहों पे राजा भैया का पकड़े, खासतौर से छत्री वोटरों की, और केवल इन्हीं इलाकों नहीं जो पूर्वांचल का पूरा इलाका है, छत्री वोटों में कहीं ना कहीं राजा भैया की सेह रहती है। तो अगर राजा भैया नाराज है, और ये वैसे क्लियर है सबके सामने, भले ही राजा भैया ने कहा हो कि वो किसी भी तरह किसी भी दल की तरफ से नहीं कह रहे और आप अपने मन से अपनी इच्छा से वोट दीजिए, लेकिन साफ झलक रहा है कि राजा भैया की नाराजगी और जिस तरह की नाराजगी साबित हुई अनुप्रिया पटेल के संग, जिस तरह का एक दूसरे के प्रति जो बयान दिए गए वो साफ जताता है कि राजा भैया बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने के मूड में है। बिल्कुल सिन्हा साहब, आप मान रहे हैं कि राजा भैया का असर है और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनीष अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष अग्रवाल जी, आपसे इन 14 सीटों पर एक विश्लेषण चाहूंगा और राजा भैया का क्या प्रभाव पड़ेगा या वोटर हो सकता है कि मोदी और योगी के नाम पर निकले। देखिए, पिछली बार भाजपा 9 सीटें जीती थी जब बीएसपी, एसपी और राजभर सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो मुझे लगता है जो राजभर जी इस बार बीजेपी के साथ हैं और बीएसपी और सपा अलग अलग लड़ रहे हैं, इसका जरूर इम्पैक्ट होगा इन सीट पे और इसका असर आपको देखने को मिलेगा। बाकी राजा भैया, धनंजय जी, ये सब इम्पैक्ट यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स में हम लोग स्टडी करते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा 14 के चुनाव में और 19 के चुनाव में बीजेपी को एक बहुत अच्छी मेजोरिटी मिली थी। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने का हो रहा है और मुझे लगता है विपक्ष के पास सबसे बड़ी कमी यही है कि उनके पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो वो मोदी जी के विकल्प के रूप में यूज कर सके। दूसरे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यूपी में जनसभाएं करी है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और कल की डेट तक पूरे देश में वो 170 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं, तो वो ना ही यूपी में बल्कि पूरे देश में एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाने और पहचाने जा रहे हैं, तो जनता इन चीजों को। आपने ठीक कहा कि मोदी के नाम पर और योगी के नाम पर वोट मिल जाएगा, लेकिन मनीष अग्रवाल जी, जैसे इन सीटों पर मैं भी गया हूं और देखिए मैं कुशीनगर हूं, ये पूर्वांचल का जो तमाम हिस्सा है मैं जो नाप रहा हूं सर, कास्ट फैक्टर बहुत हावी है। समाजवादी पार्टी ने निषाद को उम्मीदवार को उतार दिया, तो निषाद देख रहा है उधर,
जबकि जाता नहीं निषाद, लेकिन उनका उम्मीदवार उतर गया तो वो उधर देख रहा है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग करी है ना, ये सोशल इंजीनियरिंग ही भाजपा ने 2014 में करी थी जब उन्हें यूपी में अभूतपूर्व सीटें मिली थी। लेकिन हम लोग बार बार ये देखते हैं कि 19 का चुनाव हुआ, अब 24 का चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने जो एक लाभार्थी नाम का सेगमेंट जोड़ा है ना वोटर्स का, वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन के अगेंस्ट वोट देता है। वो ये देता है कि मुझे क्या बताया गया था, क्या मुझे मिल रहा है, क्या मेरे पास आ रहा है। और वो लाभार्थी सेगमेंट जो है वो हर जाति में संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता है, उनको भी जोड़ देता हूँ। संजय चौधरी साहब, 14 सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है। पूर्वांचल पिछली बार 9 जीते, सपा बीएसपी मिलकर 5 जीत गए, बहुत महत्वपूर्ण। कास्ट फैक्टर बहुत मायने, राजा भैया बहुत यहाँ मायने रखते हैं, कुछ सीटों पर उनका भी असर है, कैसे देखते हैं आप? आपने राजा भैया जी की बात की है, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। नोट कर लीजिए, जो हालत पिछली विधानसभा के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई थी ना, वही इस बार के चुनाव में राजा भैया की होने वाली। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, यही राजा भैया थे। राज्यसभा के चुनाव में ऐलानिया तौर पर भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी के यश की गाथा गा रहे थे, और उसके बाद चंद दिनों के पीछे अगर वो कोई राजनीतिक व्यक्तित्व पलटता है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति ने बहुत बार देखा है, ये पहली बार हुआ है कि राजा भैया इस प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक किसी स्टैंड के बजाय व्यक्तिगत स्टैंड ले रहे हैं। और मुझको लगता है कि आज की राजनीति में जब ईमानदारी की राजनीति, आज की राजनीति में जब सुशासन की राजनीति, आज की समय में जब भ्रष्टाचार से मुक्ति की राजनीति हो रही है, तो वहां व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर अगर कोई राजनेता निर्णय लेता है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर असर पड़ेगा। सर, फिर राजा भैया का कोई असर नहीं है? आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई असर आप देख रहे चौधरी साहब, फिर वोटर्स पर कोई असर नहीं? नहीं नहीं, स्वामी प्रसाद, मैंने कहा ना स्वामी प्रसाद मौर्य तो उनसे बड़े नेता थे, उनसे बड़ा जनाधार उनके पास था, और मुझको लगता है कि पिछड़ों के सबसे बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हुआ करते थे। उन स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति यह थी कि वो अपनी विधानसभा सीट ही हार गए थे, और आज उनकी स्थिति क्या है, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का ये जो बिल्कुल। और देखिए, जहां जहां से हम चर्चा कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं से उम्मीदवार है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं लौटूंगा, दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? और संजय चौधरी जी कह रहे हैं कोई असर नहीं है, मोदी योगी के नाम पर वोटर मिलेगा। ठीक है, दीपक रंजन जी। देखिए जयप्रकाश जी, कल लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है जिसकी मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी छठे चरण के मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग घरों से निकलो, पहले आप लोग मतदान करिए, उसके बाद आप लोग जलपान करिए, क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार है जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने आपको दिया, इसका आपको मताधिकार का आपको प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अभी संजय भाई जिनके बारे में कह रहे थे, आदरणीय राजा भैया के बारे में, राजा भैया देखिए अभी तक जब तक इनको मदद करते चले आ रहे थे तब तक उनको बहुत अच्छे लग रहे थे वो। और राजा भैया ने तो कभी किसी की मदद, इन्होंने किसी को समर्थन तो दिया नहीं, ऐसा तो नहीं उन्होंने कह दिया कि इंडिया ब्लॉक के समर्थन में आप लोग वोट करो या आप एनडीए ब्लॉक के समर्थन को आप लोग वोट करो। भाई उन्होंने तो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, उनकी पार्टी वहां पे चुनाव नहीं लड़ रही है, उनका किसी से अलायंस भी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र कर दिया इसको। अब जो वहां की देवतुल्य जनता है, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे वो बाबागंज हो, चाहे आपके कौशाम्बी हो, या जहां पर भी उनके लोग हैं, चाहे मिर्जापुर हो, तो जहां पर भी उनके लोग हैं, वो स्वतंत्र अपने हिसाब से देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से 5 साल से जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे उनके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है, लोगों के ने काम नहीं किया, इसलिए वो स्वतंत्र होकर के जो है इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब अच्छा, इनको इस पर भी उल्लेख करना चाहिए कि क्या ईवीएम से राजा रानी पैदा होते हैं या ईवीएम से जो है जनप्रतिनिधि, जनसेवक या लोगों के बीच में रहने वाले लोग पैदा होते हैं, तो ये सब सारी चीजें तो फिर आप भी मानेंगे ना दीपक जी आप मानेंगे ना, फिर राजा भैया का असर नहीं है? नहीं, राजा भैया का फिर कोई असर नहीं पड़ेगा ना इन सीटों पर, आप भी मानेंगे ना? अरे फिर भाई, अरे भाई उनका जो असर आप उनके भरोसे तो नहीं है ना? अरे उनका असर प्रतापगढ़ में दिख गया कि किस तरीके से उनके लोग जो है झंडा और बैनर और टोपी लगा करके जो जनसत्ता दल अखिलेश यादव जी और राजा भैया जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। आज मिर्जापुर में उनके जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने खुला समर्थन पत्र दे दिया है, तो अनुप्रिया पटेल जी को सोचना चाहिए ना कि इतनी अनुभवी नेता होने के बाद उनको यही नहीं मालूम कि ईवीएम से कौन पैदा होता है। भाई इनकी पार्टी में ईवीएम से राजा पैदा करते होंगे, इसीलिए इनका जनता का इनको दुख दर्द नहीं दिखाई देता है। भाई इनके और राजा पैदा होते होंगे भारतीय जनता पार्टी में, उनकी जनता इनकी जो अपना दलित पार्टी है। लेकिन देखिए इस तरीके से जब संजय जी एक जवाब आपसे, देखिए लोकतंत्र में तो जनता ही, और आज
और आज जनता लोकतंत्र में जनता ही चुनती है और आज जनता अपना चुनाव लोकतंत्र में ईवीएम के माध्यम से करती है। निश्चित रूप से राज परिवार अब देश नहीं चला रहा, ईवीएम से निकला हुआ मत ही देश के राजा का निर्धारण कर रहा था। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ठीक कहा, और जो इस मानसिकता में विश्वास करते हैं कि आज भी उनके राजघराने हैं, आज भी वो राजाओं के प्रतिनिधि हैं, आज भी वो शहजादे हैं, तो वो दौर अब चला गया। लोकतंत्र में अब ईवीएम से ही चुनाव होता है और उसी से देश का शासक चुना जाता है। तो आप उनको राजा कहेंगे? ठीक ठीक है, एक एक दिन राजा महाराजा कहेंगे आप? आप ही कह रहे हैं भाई, आपके आप अरे आपके अनुप्रिया पटेल ने कहा, आप तो कुछ आप सुना नहीं क्या आपने उनका वक्तव्य? हमने तो कहा ईवीएम से जनसेवक जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं, ईवीएम से जनसेवक जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में होते होंगे राजा महाराजा, शाह शहंशाह पैदा होते हैं, जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। देखिए जयप्रकाश जी, ईवीएम से ही अब चुना जाता है और इसको जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना ठीक रहेगा। ठीक है, अनुप्रिया पटेल को सिखाओ ना आप ये बात, अनुप्रिया पटेल से आप पूछो कि राजा की रानी के कोख से जो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल चौधरी साहब, कुर्मी निषाद और राजभर, कुर्मी निषाद राजभर, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ फॉर्मूला चला इस बार, और कहीं ना कहीं ऐसा फॉर्मूला जहां कुर्मी वोटरों की संख्या वहां कुर्मी उम्मीदवार उतार दिया, निषाद वोटरों की संख्या तो निषाद वोटर उतार दिया, ये आपके लिए टेंशन नहीं है क्या पीडीएफ फॉर्मूला चौधरी साहब? निश्चित रूप से कोई टेंशन नहीं है, इसी पीडीए के खिलाफ तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया था। शलीन शेरवानी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी पीडीए पर काम नहीं कर रही। कोई राजनीतिक दल कैसे पीडीए पर काम करेगा कि अगर उसे यादव में से नेतृत्व चुनना होगा तो उसे केवल अपने परिवार में यादव नजर आते हैं। अभी देखिए एक निर्णय हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर कि वो जब बात करते हैं आरक्षण की, जब पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, तो उसमें आरक्षण का लाभ 77 मुस्लिम जातियों को देते हैं, और जब हाईकोर्ट उसका निर्णय करता है तो वो कहती है कि हम हाईकोर्ट के डिसीजन को नहीं मानेंगे। यही तो कहा था इंदिरा गांधी ने जब उनके खिलाफ हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं नहीं मैं हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं मानूंगी, देश में इमरजेंसी लगा दूंगी। तो जो हाईकोर्ट का निर्णय नहीं मानते, जो ये नहीं मानते कि आरक्षण का लाभ इस देश के पिछड़ों को, वंचितों को, दलितों को, आदिवासियों को मिलना चाहिए, इसके बजाय उनके द्वारा घोषित मुसलमानों को इसका लाभ मिलना चाहिए, मुझको लगता है कि ये विषय जितना नीचे जाएगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर विजय हासिल करेगी। चलिए संजय चौधरी जी, संजय चलिए ठीक है, आप मान रहे कि ये फ्लॉप है पीडीएफ फॉर्मूला, दीपक जी सफल हो पाएगा आपका क्या? अब देखिए इनको पीडीएफ से भी इतनी चिंता हो रही है, हम तो पिछले दलित आदि आबादी अल्पसंख्यक को आदिवासियों को लेकर के चल रहे हैं। ये समाजवादी का और इंडिया गठबंधन का जो है ये आवाहन है कि पीडीए के साथ मिलकर के जो हम इंडिया को हराने जा रहे हैं, और ये जिसकी बात कर जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये 2B के तहत आरक्षण जो है कर्नाटक की सरकार में जी देवगौड़ा साहब ने देने का काम किया था, जो इनके सहयोगी पार्टनर बने हुए, जिनके वो पोते क्या नाम है कौन, प्रज्वल रवन्ना जो है, जिनको अभी तक ये बुला नहीं पा रहे, इतना घिनौना कृत्य करने के बाद वो फरार हैं यहां से, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार अपने आप को इतना शक्तिशाली बताती है, और ये देखिए प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी उनके लिए खुले मन से वोट मांग रहे हैं, जिनके ऊपर इतने गंभीर चार्जेस लगे हुए हैं, ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। मैं लौटूंगा उनको, मैं लौटूंगा नवलकांत सिन्हा जी, नवलकांत सिन्हा जी, अब तक हमने बात की, हमने बात की अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, किसने रोका है, किसने मना किया है, आप तो आप उनके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाते हैं प्रधानमंत्री जी? भाई समाजवादी ठीक है, रुके रुके चौधरी जी, रुके चौधरी जी, दीपक जी रुकेगा, ठीक है आप रुकिए रुकिए, एक एक मुझे, क्योंकि देखिए आप चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, जल्दी से नवलकांत सिन्हा जी, ये राजा भैया की बात हुई, धनंजय पर जल्दी से थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए, धनंजय का कितना असर, क्योंकि धनंजय जौनपुर में आ गए बीजेपी के साथ, वो कह रहे कृपा शंकर के समर्थन में आ गए, उसका कितना असर है धनंजय का? देखिए बीजेपी के हित में इससे बड़ा काम नहीं हो सकता था कि अब ये मुझे पता नहीं कि बीएसपी ने टिकट वापस लिया कि धनंजय ने टिकट वापस कर दिया कि बीजेपी का प्रेशर था, ये मुझे मामला नहीं मालूम है, लेकिन हाँ 101% कृपा शंकर सिंह रहने वाले भले जौनपुर के थे लेकिन उनका साम्राज्य पूरा मुंबई में है, और उनको
बाहर का कैंडिडेट माना जा रहा था और ये माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए सीट बड़ी मुश्किल में है क्योंकि धनंजय या उनकी पत्नी धनंजय चुनाव लड़ सकते तो शीतला रेड्डी चुनाव लड़ती तो वो एक बड़े मजबूत प्रत्याशी थे और वहां पे उनका टिकट वापस लेना निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत उत्साहजनक खबर है। बहुत बिल्कुल एक बीजेपी के लिए और इसके अलावा मछली शहर में भी बहुत ये एक बड़ी बात है। लोग क्या भी रहे एक लोग क्या भी रहे हाँ ये बड़ी बात है। मनीष अग्रवाल जी धनंजय को लेकर आप क्या कहेंगे? धनंजय सिंह संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर जल्दी से। धनंजय सिंह का फायदा जरूर बीजेपी को मिलेगा, कृपा शंकर जी को मिलेगा क्योंकि धनंजय जी का अपना जनाधार था। जैसे नवलकांत जी कह रहे थे उन्होंने डिसीजन क्यों लिया, ये उनका अपना डिसीजन है, लेकिन जरूर इस चुनाव में उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और अब लगता है कि बीजेपी की जौनपुर सीट पे जीत निश्चित है। निश्चित है। चलिए संजय चौधरी जी 14 सीटों में पिछली बार 9 जीते, जल्दी से बताइए कितनी जीत पाएंगे इस बार? निश्चित रूप से 14 के 14 सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मोदी सरकार 400 पार, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कास्ट फैक्टर बहुत हावी है सर, संजय चौधरी जी कास्ट फैक्टर बहुत हावी है, कोई हावी नहीं है। राम का नाम है और देश का सम्मान है, ईमानदार नेतृत्व है, बेदाग सरकार है और इसीलिए चलिए राम का नाम है। दीपक रंजन जी ये 14 की 14 कर रहे हैं, 14 दम भर रहे हैं। देखिए जयप्रकाश जी ये बात तो 400 पार की कर रहे हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा, 400 पार के बाद 143 सीटें बचती हैं, उस 143 में भी कुछ कम ना हो जाए इसकी चिंता करें। और ये 400 पार की बात करें जबकि जनता की तरफ से आवाज आ रही है 400 पार नहीं 400 हार। और देखिए जयप्रकाश जी जब मन के लड्डू ही खाने हैं तो थोड़ी शक्कर उसमें और मिला 500 पार की। चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान बुद्ध की नगरी से आप देख रहे थे कुशीनगर से हमारा खास कार्यक्रम यूपी मांगे उत्तर, फिर अगली